जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल स्टील का कड़ा पहनने का या स्टील का ब्रेसलेट पहन के घूमने का शौक और फैशन इतना चल पड़ा है कि जिसको देखो उसके हाथ में आप स्टील का कड़ा देख सकते हैं या स्टील का ब्रेसलेट देख सकते हैं। लड़कियां स्टील की चूड़ियां पहन के घूमती रहती है। तो क्या स्टील का कड़ा आपको सूट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर यदि शनि की पोजीशन अच्छी है और राहु की पोजीशन अच्छी है तो ही आप स्टील का कड़ा धारण कर सकते हैं। अब स्टील क्या होता है? स्टील आयरन में जब आप कार्बन मिला देते हैं, मैग्नीज मिला देते हैं और ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं, उसको मिलाने के बाद में आयरन का ही एक स्वरूप स्टील होता है। आयरन अगर आपने धारण करा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपने सीधे शनिदेव को बल दे दिया है। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और आपने स्टील का कड़ा धारण कर रखा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा काफ़ी। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, एक्सीडेंट होने के भी चांस इसमें बन जाते हैं। तो यदि आप स्टील का कड़ा धारण करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है। यदि शनि की पोजीशन अच्छी है और आपको वो अच्छे फल दे सकता है तो ही आप स्टील का कड़ा या ब्रेसलेट वगैरह धारण करें, वरना स्टील का कड़ा बिल्कुल भी धारण ना करें। इसकी जगह आप अष्ट धातु का कड़ा या पंच धातु का कड़ा धारण कर सकते। इसके अलावा जो लोग तांबे का कड़ा पहनते हैं या फिर पीतल का कड़ा पहनते हैं तो उनको भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद में कड़ा धारण करना चाहिए। कड़ा अगर आपने धारण करा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में आपने उस धातु को बल दे दिया है और कुंडली में सीधे सीधे उस धातु से जुड़े हुए ग्रह को आपने बल दे दिया है। यदि आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छी पोजिशन में है, आपका कारक ग्रह है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन यदि वो आपकी कुंडली में मार्केश है या किसी गलत भाव में बैठा हुआ है और आपने उसका कड़ा धारण कर लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने मुसीबत स्वयं मोल ले ली है। तो इसलिए अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद ही आप कोई सा भी कड़ा या ब्रेसलेट आप धारण करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।